हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नेपाल में तीज यानी कि जो लेडीज़ वगैरह जो व्रत रख के तीज मनाती है, हरी ताली का तीज, वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। लगभग 1.5 से 2 महीने अब बचा हुआ है। तो ऐसे में आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप जितना जल्द हो सके उतना जल्द साड़ियों का स्टॉक जो है वो बना ले। तो फिलहाल अभी हमारे पास जो है साड़ी जो कलेक्शन देख रहे हैं, ये अभी लेटेस्ट साड़ी वगैरह आया हुआ है। और भी साड़ी वगैरह जो बंडल्स दिख रहे हैं, साड़ियों के बंडल, ये अभी अभी लॉन्च हुआ है। काफ़ी प्यारा और सस्ता रेंज में हमने उपलब्ध करवाया हुआ है। ऐसे ऐसे साड़ी जो है वो आप अपने शॉप पे रख करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो साड़ियों के बंडल की हम बात करें तो एक बंडल में आपको 5 पीस मिलने वाले हैं, एक कलर के। डिज़ाइन अलग हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको 5 पीस का एक बंडल कम से कम आपको लेना पड़ेगा यदि होलसेल रेट में लेना चाहते हैं। तो ऐसे साड़ी जो है ये 3,000, 3,500, 4,000 के रेंज में बिकने वाले हैं। अगर आप एक दुकानदार है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए और आपको होलसेल रेट जो है वो एक अच्छा रेट होगा, जैसे कि आप अपने शॉप पे रख करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे, वैसे रेट आपको दिए जाएंगे। डिजाइंस की बात करें तो डिजाइंस ये साल 2022 के लेटेस्ट डिजाइंस वगैरह जो है वो हमने मंगाया हुआ है। तो नेपाल में ये लाल वाला जो कलर है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता है। तो यहाँ पर डिजाइंस की हम बात करें तो आंचल में आपको लटकन वगैरह जो देख रहे हैं, लटकन देखने को मिलेगा, जो कि साड़ी की खूबसूरती जो है और बढ़ा देती है। तो एक पीस आपको प्रॉपर तरीके से खोल करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग सके और डिजाइंस भी आप एक अच्छे तरीके से समझ सके। तो डिजाइंस देखिए कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आप आंचल में देखेंगे तो आंचल में आपको पूरा फुल वर्क मिलने वाला है। और नीचे में क्या होता है कि जो साड़ी का कुछ आधा भाग होता है, उस आधे भाग में आपको वर्क देखने को मिलता है। अंत में एक ब्लाउज का जो कपड़ा बचता है, आप 80 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक का कट करवा सकते हैं, जो कि एक ब्लाउज सिलाने के लिए कपड़ा एनफ हो जाता है। अगले डिजाइन्स की बात करें तो अगला डिजाइन कुछ अलग है और कुछ हटके है। यहाँ पे साड़ी देख रहे हैं, ये साड़ी काफ़ी अच्छा है। और इसके बॉर्डर की स्पेशलिटी हम बताएं तो इसके बॉर्डर में आपको नेपाली ट्रेडिशन के अनुसार जो ढाका का कपड़ा होता है, उस ढाके के डिज़ाइन में यहाँ पे बॉर्डर में वर्क देखने को मिल रहा है आपको। ये बॉर्डर काफ़ी प्यारा और सुंदर देख रहे हैं आप, ये बॉर्डर देखने में काफ़ी प्यारा और सुंदर भी है और साड़ी की खूबसूरती को थोड़ा और बढ़ा रहा है। वर्क वाले जितने भी साड़ियाँ होते हैं उन सभी साड़ियों में एक यही पैटर्न होता है। साड़ी जैसे कि अगर अंदर तक एम्ब्रॉयडरी कर दे तो वो ठीक नहीं लगता है। हाँ, आधे भाग में एम्ब्रॉयडरी है तो अच्छा लुक निकल के आएगा। जैसे कि देखे हैं आप आंचल में इसका भी जो है फुल वर्क था और नीचे में आपको आधा आधा वर्क देखने को मिला। सभी साड़ियाँ जो है लगभग इसी पैटर्न पर बनी होती है। इससे पिछले वाले डिजाइन्स में आपको सादा ब्लाउज मिल रहा था, लेकिन इसमें ब्लाउज में भी वर्क किया गया है। ब्लाउज में जो बाजू होते हैं, आप बाजू में ढाका का जो बॉर्डर दिख रहे थे साड़ी में, वो बाजू में वो डलवा सकते हैं। और यहाँ पे एक नेट का साड़ी जो है ये भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। अपने पास साड़ी का काफ़ी सारा डिजाइन्स वगैरह जो है मौजूद है। अभी अगर कोई डिज़ाइन पसंद आया है आपको तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे स्क्रीन के ऊपर चल रहे नंबर पे ज़रूर से कांटेक्ट कीजिए। और हाँ, अंत में आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही डिज़ाइन से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह इस चैनल पर लेकर के आता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।